students, in our last class we have done Lok Sabha, its members, how its member elected and their qualification and the tenure of the members of Lok Sabha. Okay, कि लोकसभा के members कैसे elect होते हैं, how many members are there और वो कितने time period के लिए work करते हैं, हमने ये read किया था. Okay, so we are going to read about speaker of Lok Sabha today. Lok Sabha में एक head होता है, that is called speaker. ठीक है, he or she just presides over the meeting of Lok Sabha. वो लोकसभा की meeting को control करते हैं. जैसे आपकी क्लास में आपके हेड हैं क्लास इंचार्ज, और अगर क्लास इंचार्ज ना हो तो मॉनिटर. ओके, तो सेम लोकसभा में हेड होते हैं स्पीकर, और अगर स्पीकर एब्सेंट है तो ऑन द प्लेस ऑफ स्पीकर इट वाज प्रेसाइड्स बाय डिप्टी स्पीकर. ओके, तो दो पर्सन्स हैं जो हेड होते हैं, एक स्पीकर एंड द अदर वन इज़ डिप्टी स्पीकर. ओके, and there is a tradition that speaker is elected from the majority party. ये tradition है शुरू से ही कि जो speaker है वो majority party, यानी कि जिस party की government बनेगी उसी party का member होगा, और जो deputy speaker है speaker से थोड़ा नीचे वाली जो post है deputy speaker की, deputy speaker opposition party से इलेक्ट होगा. क्लियर, इतना समझ आ गया. लेट्स रिपीट कि स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम द ओपोजिशन पार्टी. क्लियर, हेयर इज द पिक्चर ऑफ टू स्पीकर्स. फर्स्ट इज मिस्टर जी वी मालवंकर, दैट इज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड हेयर इज मिसेस मीरा कुमार, she was the first woman speaker of Lok Sabha. ठीक है, तो ये आपको दो पिक्चर्स शो की गई हैं बुक में. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर. एज आई हैव टोल्ड यू दैट स्पीकर प्रिजाइड ओवर द मीटिंग, स्पीकर मीटिंग को हेड करता है, उसको होस्ट कर रहा है. ओके, वो प्रिजाइड्स कर रहा है मीटिंग को, और उसकी एब्सेंट में डिप्टी स्पीकर उसका वर्क करता है. ओके, द स्पीकर मेंटेन लॉ डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस. जो स्पीकर है वो हाउस यानी कि लोकसभा में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, डेकोरम मेंटेन करके रखता है, कि कोई भी लोकसभा की जो वैल्यूज़ हैं, जो लोकसभा का डिसिप्लिन है उसको ब्रेक ना करे. ओके, और इफ़ द सिचुएशन डिमांड्स द स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस. एडजर्न मतलब उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए हाउस को, उसकी जो मीटिंग है उसको फिनिश कर सकता है कि अब ये मीटिंग नहीं होगी. ठीक है, एडजर्न का ये मतलब होता है कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए उसको बंद कर देना, हटा देना. ओके, तो स्पीकर को अगर लगे कि सिचुएशन ऐसी है कि कंट्रोल नहीं हो रहा कुछ भी, जो मेम्बर्स हैं वो ज़्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, या कुछ भी गलत वर्क हो रहा है, तो वो उस टाइम पीरियड के लिए हाउस को, मीन्स लोकसभा को एडजर्न कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ ऑल द पिटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स एड्रेस टू द हाउस आर रिसीव्ड बाय द स्पीकर. हैव यू सीन एवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा, कभी लोकसभा की मीटिंग्स देखी हैं, उसमें जब भी कोई पूरे हाउस को कुछ कहना चाह रहा है तो स्टार्टिंग में वो क्या बोलते हैं, माननीय महोदय या सर, मतलब वो स्पीकर को एड्रेस करते हैं, बताना उन्हें सबको है. ठीक है, दे हैव टू डिस्कस विद द ईच एंड एवरी पर्सन, बट वो क्या करते हैं, नेम वो लेते हैं स्पीकर का. ओके, वो स्पीकर को मेंशन करते हैं कि हम आपके बारे आपसे ये बात कह रहे हैं, और आपके थ्रू पूरे हाउस को पता लगनी चाहिए. ओके, तो जितने भी पिटिशंस और डॉक्यूमेंट्स, बिल्स जो भी वहाँ पर स्टार्ट किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं,
वो फर्स्टली किसको एड्रेस करके कहे जाते हैं? स्पीकर को. ओके, एंड नेक्स्ट इज, इट इज़ द लोकसभा स्पीकर हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अगर कभी लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग होती है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी इशू को लेकर दोनों हाउसेस की, बोथ द हाउसेस हैज़ अ जॉइंट मीटिंग, तो उस मीटिंग को हेड कौन करता है, प्रिजाइड्स कौन करता है? इट इज़ द लोकसभा स्पीकर हु प्रिजाइड्स द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस. वो स्पीकर होता है जो दोनों हाउसेस की मीटिंग को प्रिजाइड्स करता है. ओके, सो दीज आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू रीड एंड लर्न इट केयरफुली. ओके, थैंक यू.